गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 16 जैन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरा वेट है वो 52 और 49 के अराउंड, मतलब उसके बीच में रहता है, मेरा बिटवीन रहता है उनके। तो जब मैं बाहर का खाना स्टार्ट करती हूँ तो 52 तक पहुंच जाता है। जब मैं 4-5 दिन अपनी डाइट पे कंसंट्रेट कर लेती हूँ, बाहर का छोड़ देती हूँ, तो 49-50 पे पहुंच जाता है। तो मेरा इसी के आसपास रहता है। तो देखते हैं आज का वेट क्या है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और मेरा जो टारगेट है वो है कि मुझे मार्च लास्ट तक अपना 5 kg वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट है वो 45 के अराउंड होना चाहिए। तो टारगेट यही है कि मार्च एंड तक मैं ये वेट लॉस कर लूँ। अराउंड 2.5 मंथ है मेरे पास, बट देखते हैं कितना हो पाएगा। ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि हाँ मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है। मैं अपने नॉर्मल वे से चलूंगी, जैसे आज का मैं आपको अपना दिन शेयर करने वाली हूँ, सेम उसी वे से मैं अपने बाकी के दिन रखूंगी। बट हाँ, उसमें चीट मील भी होगा और वो सब होगा, तो मैं बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। और यस, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आपका जो वेट होता है, जितना आपका वेट होना चाहिए उसके आसपास जो आपका ओवर वेट होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल से रिड्यूस होता है। जैसे मेरा 45 के अराउंड होना चाहिए, तो अभी मान लीजिए मेरा 52 है, तो 52 से 45 को जो मुझे वेट लॉस करना है ना, वो मेरा बहुत मुश्किल से होगा। वो बहुत हार्डली, आपको उसके साथ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ही वो जाके रिड्यूस होता है। बट यस, अगर मेरा वेट जैसे मेरा 65 था, 65 से 55 तक लाने में मेरे को कोई मुश्किल नहीं हुई, विद इन 21 डेज मेरा 10 kg रिड्यूस हो गया था। बट उस 55 से 50 तक करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई महीने लगाने पड़े, 4 से 5 महीने मुझे लगे उसको रिड्यूस करने में। तो ये होता है कि जब आप अपने वेट के जो आपका एवरेज वेट होता है, जब आप उसके पास में होते हो ना, तो वो वाला वेट बहुत ही धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो प्लीज डीमोटिवेट मत होइए, आप देखिए कि आपका एवरेज वेट कितना है और आप उसके कितने पास में है या कितने दूर है। और मैं ऐसी कोई भी डाइट नहीं करने वाली हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरे दिन में, तो फिर मैं आपको शाम को उसके बारे में शेयर करती हूँ वो सब चीजें। तो चलिए अपना दिन है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वेट चेक करते हैं। जो वेट आपको चेक करना होता है वो सुबह उठते ही सबसे पहले चेक करना होता है, वही आपका करेक्ट वेट होता है। तो जो मेरा वेट है आज 16 जैन को, वो है 50.2 ग्राम। तो जो मेरा वेट है वो अराउंड 50 और 52 के या 49.5 ऐसा ही कुछ रहता है, तो आज है 50.2। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो होती है एक गिलास अजवाइन पानी से। तो अजवाइन को मैंने एक गिलास पानी में 1 स्पून अजवाइन डाल के भर के रख दिया था रात भर, और अब मैं इसको करूँगी बॉयल। तो ये जब तक कि इसका थोड़ा सा पानी कम ना हो जाए, मैं इसको बॉयल कर लूँगी, और उसके साथ साथ मैं करूँगी 1 गिलास गर्म पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो पानी है वो गर्म हो गया है, आपका पानी इतना ही गर्म होना चाहिए ताकि आपको उसको सिप करके पी सके। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बोला कि पानी बैठ के पीना है, तो मैं पानी अब बैठ के ही पीती हूँ, और सुबह का पानी तो वैसे भी बहुत ही शांति के साथ पिया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी अजवाइन वाटर है वो बॉयल हो गया है, ये कम हो गया है, अब मैं इसको छान लूँगी और इसको भी आराम से बैठ के आपको एंजॉय करते हुए पीना है। तो मैं यहाँ पे इसमें लेमन ऐड कर ली हूँ, 1/2 लेमन। आप चाहें तो लेमन को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको लेमन के साथ पियेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी ले सकती हैं। और आपको पता है कि जो मेरी सुबह है वो विदाउट टी स्टार्ट नहीं होती है, तो उस पानी के 1 घंटे के बाद आसपास जब नीरज स्कूल चला जाता है, तो 8 बजे मैं लेती हूँ 1 कप चाय, और उसके साथ लेती हूँ 2 बिस्किट। कोई भी आप डाइजेस्टिव बिस्किट या फाइबर वाले बिस्किट ले सकते हैं, तो मैं ये सब इनमें से कोई ना कोई ले लेती हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, और आप चाहें तो चाय को अवॉइड कर सकते हैं, बट मेरे चाय के बिना दिन नहीं होता है, तो मेरे लिए चाय ज़रूरी होती है। आप वहाँ पे कोई भी फ्रूट या ग्रीन टी या कोई भी जूस ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है अराउंड 10 o'clock के अराउंड, मैं फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ 2 घंटे के बाद।
तो मैंने यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू के स्टफ रोटी। आप कोई भी स्टफ रोटी बना सकते हैं, आपको सिर्फ स्टफ रोटी बनानी है और जितनी भी आपकी डाइट है उससे एक रोटी कम कर देनी है। जैसे मैं दो खाती हूँ तो मैं जो स्टफ रोटी है वो एक खाऊंगी। आप स्टफिंग आलू की, मूली की या पनीर की, जिस भी चीज़ की आपको चाहें आप उसकी स्टफिंग डाल सकते हैं। तो आज मैंने नीरव के लिए आलू के पराठे बनाए थे तो मैंने आलू की स्टफिंग ही डाली है। और इस तरह से आपको घी नहीं लगाना है, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि स्टफ रोटी आपको कैसे बनानी है। तो आप किसी भी वे में बनाइए बट उस पर घी नहीं लगाने, इस तरह से आपको उसको सेकते हुए बनाना है। तो ये मेरी स्टफ रोटी हो गई है, मैंने इस पर घी नहीं लगाया बट यस अब मैं ऊपर से इसके ऊपर एक चम्मच घी डालूंगी जो कि बहुत ही हेल्दी है आपकी हेल्थ के लिए। मैं काफ़ी टाइम बता भी चुकी हूँ ये चीज़। तो आपको तवे पे घी नहीं डालना है, उसको जलाना नहीं है, इस तरह से आपको कच्चा घी खाना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं खा रही इसको चाय के साथ, आप चाहें तो दही ले सकते हैं या फिर चटनी के साथ। प्लीज़ अचार को अवॉइड कीजिए। और उसके बाद फिर बारी आती है ग्रीन टी की। तो जो ग्रीन टी का वे है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ग्रीन टी होती है वो इस तरह से लूज़ वाली जो ग्रीन टी होती है वो बेस्ट होती है। तो मैं यहाँ पे ये वाली टी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने दो फ्लेवर रखे हुए हैं, एक मैं सुबह लेती हूँ, एक दोपहर को लेती हूँ। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 आवर के बाद आपको जो ग्रीन टी है वो लेनी है। आपको पानी बॉयल कर देना है, उसके बाद उसमें आपको ग्रीन टी डालनी है और फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जैसे भी आपको उसका फ्लेवर पसंद है आप उसे छोड़ दीजिए। और उसके साथ मैं ले रही हूँ 5 बादाम और 1.5 अखरोट है, 2 अखरोट भी ले सकते हैं आप। मैं बादाम भिगोना भूल गई थी तो मैं आज ऐसे ही ले रही हूँ। या आप इसके साथ मखाने ले सकते हैं, बिस्किट नहीं लेना है इसके साथ। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो मुझे भूख लग गई थी और सबको भूख लग ही जाएगा, जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं मदर उनको तो बिल्कुल ही लगती है क्योंकि उनको बेबी को भी खिलाना होता है। तो जब भी ब्रेस्ट फीड देते हैं तो भूख लग ही जाती है। तो आई एम सॉरी ये तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चीकू शेक। मैंने सिर्फ 1 कप दूध लिया है, 1 चीकू लिया है। आप यहाँ पे कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, चीकू ले तो 2 लीजिए क्योंकि ये हाई कैलोरी का होता है, इसलिए मैंने 1 चीकू लिया है और 1 कप दूध लिया है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं अपनी पसंद का, 1 फ्रूट लेना है आपको और ऑरेंज बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मेरा चीकू शेक बन गया है, मैं करूँगी इसको इन्जॉय क्योंकि जो मेरा लंच है वो 2:30 होगा तो अभी उसमें टाइम है। तो ये अराउंड 1 o'clock के मैं ये वाला जो अपना शेक है वो लिया है मैंने। और इससे भूख, आप ये हेल्दी भी हो जाता है, कुछ आप अनहेल्दी भी नहीं खाते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स लंच में आपका जो मन चाहे आप वो खा सकते हैं। तो मैं खा रही हूँ राइस, और राइस को खाने का बेस्ट जो टाइम होता है वो लंच ही होता है। तो लंच मेरा नीरव के आने के बाद होता है 2:30 के अराउंड। तो मैंने सिर्फ राइस लिया है और दही ली है, सैलेड नहीं लिया है। बट आप 1 कटोरी सैलेड प्लीज़ ज़रूर खाइएगा। और लंच के 1 घंटे बाद मैंने ली है अपनी ग्रीन टी। तो एक मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, और एक है लंच के 1 घंटे बाद। ये इसका बेस्ट टाइम होता है। और किस वे से बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको एक ग्रीन टी लेनी है तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दिस इज़ नो स्पॉन्सर्ड, ये मैं आप लोगों को पता है कि मेरी अपनी है। उसके बाद फ्रेंड्स इवनिंग टी है, ये मैं जब मेरा मन करता है, जब मुझे भूख लगती है मैं तब ले लेती हूँ। तो इवनिंग टी में आप टी के साथ ये रस ले सकते हैं, 2 बिस्किट ले सकते हैं, या आपका फ्रूट या पोहा, जो भी आपका मन हो कुछ हेल्दी सा थोड़ा सा स्नैक्स में वो ले सकते हैं। तो अब आ गए हम डिनर पर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ भुजी, एग भुजी। तो मैंने जीरा डाल दिया है, उसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया है, इसको भून लेना है। और आप कोई भी सब्जी, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और उसके साथ चपाती, या आप ओट्स, खिचड़ी, दलिया, जो आपका मन चाहे वो ले सकते हैं। बस सिर्फ राइस को अवॉइड कीजिए हो सके तो। बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में 1-2 बार खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जितना हो सकता है अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है क्योंकि राइस को दोपहर में ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा प्याज भुन गए हैं, उसमें मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर। आप जिस वे से बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और जो मेरा डिनर है वो 8:30 बजे तक हो जाता है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो 8 बजे तक फिनिश करने का ट्राई कीजिए अपने डिनर को, ताकि आपको जो खाना है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम मिल जाए। तो 8 बजे मेरा डिनर हो जाता है मोस्टली, हमेशा नहीं बट मोस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसको मैंने भून लिया है अच्छे से। और इसमें डाल दूँगी 4 एग, और ये जो 4 रह गए उसकी भुजी हम तीनों चारों जन खाएंगे। तो आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल अपने लिए बनाऊँ तो मैं 1 एग की भुजी ही बनाऊँगी, बट अभी मैं सबके लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 4 एग यूज़ किए हैं।
और बस इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे पनीर की भुर्जी भी ले सकते हैं, जो भी चाहे आप एक कटोरी सब्जी ले सकते हैं, और बाकी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप वो भी ले सकते हैं। और यस, अगर आप ओट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसमें शुगर ऐड ना करें, उसमें आप जो हनी है वो ऐड कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम अपने चैनल पे आपको दिखा चुकी हूँ, तो आई थिंक मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं आपको। या फिर आप सैलेड खा सकते हैं, सैलेड भी मैंने दिखाया था कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। उनको थोड़ा सा हल्का सा सोते करके और फिर आप उसको खाइए, तो वो भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो दो चार दिन में मैं वो बनाने वाली हूँ, तब आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी। वो भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है अगर आप रात को रोटी नहीं खाना चाहते। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही चपाती ली है, क्योंकि मैं दो चपाती खाती हूँ तो मैंने उसमें से एक कट कर दी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पोर्शन का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसके साथ सैलेड ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, बट मैं सिंपल, मेरा यही खाने का मन है बस, क्योंकि इतनी टेस्टी होती है कि इसके साथ किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरा हेल्दी भी हो गया है ये। उसके बाद जो मेरी बारी आती है लास्ट मील की, वो है एक गिलास दूध, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फीडिंग मदर के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी हो जाता है, तो आप दूध को गुड़ के साथ लीजिए। उसके बाद सोते हुए कम से कम 1.5 घंटा हो जाना चाहिए आपके लास्ट मील को। उसके बाद मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, ये रात को बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है आपकी बॉडी के लिए। और मैं, आप लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये मैं ब्रेक का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ, और ये है विद मदर। मैंने कभी कोई दूसरा ट्राई नहीं किया है, मैं हमेशा से यही लेती हूँ। तो अगर आप चाहें तो कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, बट उस पर ध्यान रखिए आप विद मदर होना चाहिए वो। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून डाल दिया, थोड़ा सा और डाला है क्योंकि मेरा जो पानी है वो 1 गिलास से ज़्यादा है। और पानी आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं है। सर्दी में वैसे भी ठंडा होगा, आप 2 बार चम्मच खिलाएंगे और पानी ठंडा, तो आपको ठंडा नहीं पीना है। इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसको सिप करके पी सके। तो ये मेरा बिल्कुल लास्ट होगा और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल कि मैं कैसे खाती हूँ, क्या खाती हूँ। तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं की है, मैंने पूरा दिन खाया है, थोड़ा थोड़ा करके खाया है, हर 2 घंटे बाद खाया। तो इसी तरह से आपको रखना है, बस आपको जब भी आपको भूख लगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ फ्रूट और कुछ हेल्दी चीजें खानी है, अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है। तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है शुगर, मैदा और बहुत सारा पानी पीना है। शुगर नहीं खानी, मैदा नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है और बहुत सारा पानी पीना है। यस, मैं पानी स्किप कर गई, आपको नहीं दिखाया, बट ये मेरा अभी सर्दियां चल रही है तो 2 लीटर के अराउंड मेरा पानी तो हो ही जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा सा कम भी हो जाता है, बट इतना तो रहता ही है। तो पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है और बस यही चीजों का ध्यान रखना है आपको। और डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। और यस, एक चीज और, जो ब्रेस्ट फीड मदर है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं अभी भी ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ और मैंने 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाया है अपने बेबी को। और मेरी टचवुड, मेरा जो बेबी है बहुत ही हेल्दी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने डाइटिंग की ही नहीं है। ये कोई डाइटिंग नहीं है, ये आप एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो मैं इसे डाइटिंग नहीं बोलूंगी, एक हेल्दी वे में एक आपको वेट लॉस करना है। तो चलिए, फिर मेरा वेट था 50 और मुझे करना है 45, तो 2.5 महीने है मेरे पास। तो देखिए, ट्राई करते हैं कि कितना हो पाता है और कितना नहीं। और आप लोगों के जो भी कमेंट है आप वो नीचे डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी उनका आंसर करने का। और आई होप कि ये आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी डाल दीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। तो बाकी आप बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा है ये। और फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।